बाबा बालकनाथ ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। चुनाव से पहले होने वाला है बड़ा खेल। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के वक्त बाबा बालकनाथ का नाम खूब चर्चा में रहा है। ऐसा भोकाल देखने को मिला कि उनको सीएम बनाने तक की मांग उठने लगी। यहां तक कि तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ भी खुद सीएम बनने का सपना देखने लगे थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि बीजेपी उनका यह सपना चूर चूर कर देगी। सीएम तो दूर की बात है, बालकनाथ को मंत्रिमंडल में जगह तक नहीं दी गई, जिसके बाद बाबा बालकनाथ नाराज भी हुए थे और खबरों से गायब हो गए थे। लेकिन अब जो बालकनाथ को लेकर खबर आई है, उससे बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बालकनाथ के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरों ने बवाल मचा दिया है। दरअसल खबर यह है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सथल बहर गांव स्थित बाबा मसनाथ मठ में आयोजित वार्षिक मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मठ के महंत और राजस्थान के तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात को लेकर सियासी समीकरण भी लगाए जा रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा व अन्य नेता भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाबा मसनाथ मठ में पहले भी दर्शन करने के लिए आते रहे हैं, लेकिन अब बाबा बालकनाथ से उनकी मुलाकात को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे नेताओं के साथ बाबा बालकनाथ को देखा जा सकता है। आपको बता दें, बाबा बालकनाथ 2019 में राजस्थान की अलवर सीट से सांसद चुने गए थे। बाद में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के चलते संसद सदस्य से इस्तीफा दिलवाकर उनको राजस्थान की तिजारा सीट से प्रत्याशी बनाया। बाबा बालकनाथ ने इस सीट से चुनाव जीतकर बड़ा उलटफेर किया था। लेकिन अब बाबा बालकनाथ अगर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी को ये बड़ा झटका लगेगा। ये बात सही है कि बीजेपी में उनके साथ गलत हुआ, उनका जो मकाम था वो उनको नहीं दिया गया, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के वक्त उनके जो तेवर थे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी तुलना होने लगी थी कि अब राजस्थान को भी योगी मिल जाएगा। और जब इस तरह की बातें होती थी तो बाबा बालकनाथ के चेहरे पर भी खुशी दिखाई देती थी, लेकिन उनकी खुशी उस वक्त खत्म हो गई जब राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा को बना दिया गया। तो क्या अब बाबा बालकनाथ कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? लेकिन अभी ये सिर्फ एक सवाल है और सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर लोग इस तरह के कयास लगा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अगले कुछ दिनों के अंदर क्या कुछ हो सकता है। तो आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दें।